हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। जब आपका बेबी एक वॉर्म बोल ऑफ सूप को एंजॉय कर रहा होता है तो इससे ज़्यादा माँ के लिए कुछ भी और ज़्यादा कामिंग नहीं हो सकता। इसके अलावा हेल्दी और न्यूट्रिशियस सूप्स बेबी की डेली डाइट में एक अहम रोल प्ले करते हैं। ज़्यादातर सब छोटे बेबीज जब बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर्स भी उन्हें चिकन सूप देने की सलाह देते हैं। फ्रेंड्स, तो आइए आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सूप रेसिपीज के बारे में जिन्हें बेबी के टेस्ट बड्स स्टिमुलेट करने में मदद मिलेगी। वैसे अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं या प्रेगनेंसी के खूबसूरत सफर में कदम रख चुके हैं या एक नन्ही सी जान को जन्म दे चुके हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माइलो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। माइलो ऐप पर आप फ्री में कई सारे इंपॉर्टेंट टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं और एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ और भी बहुत कुछ है। इजी एंड डिलिशियस सूप रेसिपीज फॉर बेबीज 6 मंथ प्लस। मिक्स्ड वेजिटेबल सूप। इस सूप को बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इन इंग्रेडिएंट्स की: चॉप्ड स्पिनच लीव्स, पील्ड कैरेट कट इंटू स्मॉल क्यूब्स, पील्ड बॉटल गॉर्ड कट इंटू स्मॉल पीसेस, फाइनली चॉप्ड कैबेज, पील्ड पोटैटो कट इंटू स्मॉल पीसेस। मेथड: सभी वेजिटेबल को एक प्रेशर कुकर में 1/4 कप पानी के साथ डालकर कुक कर ले। थोड़ी देर बाद जब ये कूल डाउन हो जाए तो इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले और इसकी प्यूरी बना ले। स्ट्रेन करके इस प्यूरी को बोल में ट्रांसफर कर दे। कंसिस्टेंसी को ठीक रखने के लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकती हैं। इस मिक्सचर को मीडियम फ्लेम पर हीट होने दें और फिर रूम टेम्परेचर पर इसे बेबी को सर्व करके दे दें। चिकन एंड राइस लेमन सूप। इस सूप को बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इन इंग्रेडिएंट्स की: चॉप्ड अनियंस, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, चिकन क्यूब्स, थिनली स्लाइस्ड ग्रीन अनियंस, ब्लैक पेपर फ्रेशली ग्राउंड, कुक्ड व्हाइट राइस, चिकन स्टॉक, लेमन जूस एंड जेस्ट, डाइस्ड कैरेट्स एंड सेलेरी स्टॉक्स, मिंस्ड गार्लिक क्लव्स। मेथड: एक बड़ा सा पॉट लेकर उसमें ऑयल डालकर उसे मीडियम फ्लेम पर हीट करने रख दे। चिकन के पीसेस डालकर उसमें सॉल्ट, पेपर और लेमन जेस्ट ऐड कर दे। इसे थोड़ा सा कुक होने के बाद इसमें अनियन और गार्लिक डाल दे। इसे अच्छे से सॉटे करने के बाद इसमें कैरेट्स और सेलेरी स्टॉक्स ऐड कर दे। जब ये सॉफ्ट हो जाए तो इसमें चिकन स्टॉक, लेमन जूस और राइस ऐड कर दे। हल्की सी सिम दिलाने के बाद इसे सर्व करने से पहले इसमें ग्रीन अनियंस ऐड कर दे। मिक्सचर को बोल में डालकर और लेमन जेस्ट डालकर बेबी को ये वार्म सूप जरूर सर्व करे। कॉलीफ्लावर चीज सूप। इस सूप को बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इन इंग्रेडिएंट्स की: बटर, डाइस्ड मैच्योर्ड श्रेडर चीज, फाइनली चॉप्ड अनियंस, कॉलीफ्लावर फ्लोरेट्स, मिल्क, वेजिटेबल स्टॉक, पील्ड पोटैटो कट इंटू स्मॉल पीसेस। मेथड: एक पैन लेकर उसमें थोड़ा सा बटर डाल दे, उसमें अनियन ऐड करें और अच्छे से उसे सॉटे कर ले और उसमें कॉलीफ्लावर, पोटैटो, वेजिटेबल स्टॉक, सीजनिंग्स और मिल्क ऐड कर ले। इसे अच्छे से बॉयल करके मीडियम फ्लेम हीट पर सिम आने तक रहने दे। एक फोर्क की मदद से चेक कर ले कि कॉलीफ्लावर सॉफ्ट हो चुकी है और पोटैटो क्यूब्स इजीली ब्रेक हो रहे हो। इस मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड करें तब तक जब तक ये एक थिक कंसिस्टेंसी वाला सूप ना बन जाए। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं। मिक्सचर को मग्स में डालकर उसमें चीज क्यूब्स ऐड कर बेबी को वार्म सूप सर्व करें। चिकन नूडल सूप। इस सूप को बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इन इंग्रेडिएंट्स की: कुक एंड ड्रेन्ड वाइट एग नूडल्स, क्रीम ऑफ चिकन सूप, चॉप्ड पार्सली, वाटर, मिल्क, गार्लिक पाउडर, कुक्ड एंड श्रेडेड चिकन, थाइम्स, डाइस्ड वाइट अनियन, ब्लैक पेपर, फाइनली चॉप्ड सेलेरी, कैरेट चॉप्ड टू फाइन पीसेस। मेथड: अवन को 400 डिग्रीज पर प्री हीट कर ले। एक बोल लेकर उसमें चिकन सूप, क्रीम, वेजिटेबल्स, मिल्क या फिर वाटर और बाकी के स्पाइसेस और सीजनिंग्स को ऐड करें। एक कैसरोल डिश लेकर उसमें चिकन और नूडल्स ऐड कर ले। इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक अवन में कुक होने दे ताकि वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाए। डिश को निकाल कर उसमें पार्सले ऐड करके बेबी को वार्म सूप सर्व करे। टमेटो एंड श्रेडर सूप। इस सूप को बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इन इंग्रेडिएंट्स की: बटर, टमेटोज, मिल्क, सॉल्ट, येलो अनियन, श्रेडर चीज, गार्लिक, सेलरी, शुगर।
ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर पाउडर, वेजिटेबल ब्रॉथ या चिकन ब्रॉथ। मेथड, एक पैन लेकर उसमें ऑयल ऐड कर ले और उसे मीडियम हीट पर रख दे। इसमें गार्लिक, अनियन और सेलरी ऐड कर ले। इसमें टमेटोज और ब्रॉथ ऐड कर ले। इसमें सॉल्ट, पेपर पाउडर और शुगर डाल दे। अच्छे से मिक्स करके उसे 8 से 10 मिनट तक हीट होने दे। इस मिक्सचर को फूड ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर ले। ब्लेंडेड मिक्सचर को पॉट में डालकर मिल्क, बटर और चीज इसके ऊपर डाल दे। बेबी को ये सूप सर्व करने से पहले उसमें श्रेडेड चीज जरूर ऐड कर दे। कैरेट एंड हनी सूप, इस सूप को बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इन इंग्रेडिएंट्स की: चॉप्ड कैरेट, ड्राइड चिली फ्लेक्स, बटर, सॉर क्रीम और योगर्ट, हनी, बे लीफ, वेजिटेबल स्टॉक, स्लाइस्ड लीक्स। मेथड, एक पैन लेकर उसे मीडियम हीट पर रख दे और उसमें बटर को अच्छे से मेल्ट होने दे। स्लाइस्ड लीक्स लेकर उसे पैन में कुक होने दे। जैसे ही वो सॉफ्ट हो जाए उसमें हनी, चिली फ्लेक्स, बे लीफ और कैरेट ऐड करें। इसे अच्छे से कुक करके इसमें वेजिटेबल स्टॉक डाल दे। कोकोनट एंड लेंटल सूप, इस सूप को बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इन इंग्रेडिएंट्स की: करी पाउडर, ऑलिव ऑयल, पेपर पाउडर, सॉल्ट, क्यूमिन, लेमन जूस, स्पिनच, सिनेमन, लेंटल्स, कोकोनट मिल्क, जिंजर, गार्लिक, कैरेट्स, अनियन, टमेटो पेस्ट, वाटर, वेजिटेबल स्टॉक। मेथड, एक पैन लेकर उसमें ऑयल डालकर उसे मीडियम हीट पर गैस स्टोव पर रख दे। उसमें अनियंस और कैरेट सॉटे करें जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद उसमें जिंजर, गार्लिक और स्पाइसेस डालें। उसमें टमेटो पेस्ट डालकर अच्छे से उसको स्टर करें। इसमें कोकोनट मिल्क, वाटर, लेंटल्स और वेजिटेबल स्टॉक ऐड करें। मीडियम हीट पर सिमर होने तक इसे छोड़ दें और फिर इसमें स्पिनच ऐड कर दें। तकरीबन आधे घंटे के बाद आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर दें और फिर इसे पैन में वापस डालकर इसमें सॉल्ट, लेमन जूस और पेपर पाउडर ऐड करें। बोल में पोर करके वार्म ही सर्व करें। इसके अलावा भी आप बेबी को टाको सूप, माइंस्ट्रोन, स्प्रिंग सूप और स्वीट पोटैटो सूप भी दे सकते हैं। ये सभी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सूप्स ना सिर्फ न्यूट्रिशनल होते हैं बल्कि आपके बेबी की भूख को भी बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। साथ ही माइलो फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि टाइम टू टाइम हमारी तरफ से आपको नोटिफिकेशन आते रहें।